बस्मीम नादर शाम असल मैं डॉक्टर मंजूर सर मलिक आई सर्जन अलशफ़ाई हॉस्पिटल भावलपुर से बोल रहा हूँ मैं आज आपको एक काला मोतिया का एक केस दिखाऊँगा ये बुज़ुर्ग हैं इनकी उम्र तकरीबन साठ साल है इनके दोनों आँखों के सफ़ेद मोतिया का ऑपरेशन हो चुके हैं अच्छा एक आँख की नज़र इनकी कम होते होते अब ख़त्म हो गई है तो अब ये दिखाने आए थे किसी डॉक्टर ने रेफ़र किया है कि जाएँ डॉक्टर साहब को दिखाएँ तो मेरे पास आए थे इनकी लेफ़्ट आई में नज़र बिल्कुल ख़त्म है सिर्फ लाइट परसप्शन है इसके अलावा इनको नज़र नहीं आता पहचान नहीं होती दूसरी आंख जो राइट आई है इसमें बहुत थोड़ी नज़र है यानी तीन मीटर के फासले पर मुश्किल से उंगलियां गिन सकते हैं ये तो इतनी नज़र राइट आई की भी कम है अब इन सफेद मोतिया के दोनों को ऑपरेशन कराए हुए हैं लेंस डलवाए हुए हैं लेकिन किसी ने इनको ये नहीं बताया कि काला मोतिया था पीछे और उसके इलाज पहले किया जाए और फिर सफेद का करें ना ये बताया कि कलम होते मौजूद है और इलाज करते रहो अब होते होते एक नज़र तो इनकी ख़त्म हो गई है लेफ्ट आई मुकम्मल डैमेज है उसमें कुछ नज़र नहीं आता अब उसका चांस भी नहीं है जो राइट आई है उसमें अब देखें नज़र सिर्फ तीन मीटर पर काउंटिंग फिंगर है इसका मतलब है बहुत थोड़ी नज़र आ गई है अब इनको हमने एडवाइज़ किया है इनको बताया है कि दवाइयाँ डालनी हैं और ताहियात डालनी हैं और चेक भी कराते रहें तो दवाइयाँ अगर ये डालते रहेंगे तो सारी ज़िंदगी इन इनकी नज़र बची रहेगी अगर ये दवाइयों में कोताही करेंगे राइट आई की नज़र भी जो थोड़ी सी बच गई है वो ख़त्म हो जाएगी मैंने इनको एडवाइज़ किया कि खाना ना खाओ बेशक लेकिन दवाई ना छोड़ो क्योंकि दवाई के बग़ैर तो फिर आप वो अंधेपन की तरफ जा रहे हैं ना एक तो हो गई ख़त्म दूसरी भी ख़त्म ना हो जाए इसलिए इनको ताक़द की है ताकि ये दवाई डालते रहें बाकी अगर दवाइयों के साथ भी कंट्रोल ना हुआ तो हम फिर और ऑप्शन है लेज़र ट्रीटमेंट की इतनी स्टेज पर ऑपरेशन हम नहीं करेंगे डरेंगे क्योंकि अगर खुदा न खास्ता ये थोड़ी सी नज़र बची हुई जो है ऑपरेशन करें तो कहीं वो ज़ाय ना हो जाए तो इसके लिए इसलिए इनको तीन किस्म की दवाइयाँ लिखी हैं कतरे लिखे हैं वो इनको समझा रहे हैं ये दवाई डालेंगे और उम्मीदें डालते रहेंगे वरना अगर कुत्ता करेंगे नहीं डालेंगे तो फिर ज़ाहिर नज़र का नुकसान होगा क्योंकि इस वक्त भी इनकी राइट आई का प्रेशर 43 है जो आंख नज़र जिसमें आता है 43 प्रेशर है और लेफ्ट आई का 45 से भी ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि तीन दवाइयों के साथ उम्मीद है कि इन राइट आई का प्रेशर कंट्रोल रहेगा दूसरी में चूँकि गरीब आदमी हैं अफोर्ड करें तो डालें अगर अफोर्ड नहीं करते तो ना डालें कभी कभी दर्द होता है अगर तो उसके लिए मैंने को टेबलेट लिख दिए हैं वो खा लिया करेंगे तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं और आपसे हाथ जोड़ जोड़ कर अल्तजा करते हैं कार अपना चेकअप करवाएं काला मोतिया के हवाले से डॉक्टरों को बोलें बताएं अपना आँख का प्रेशर चेक कराएं अपने पर्दे चेक करवाएं चालीस साल की उम्र के बाद अगर नहीं कराना तो फिर जब सफेद मोतिया के लिए जाएं तो डॉक्टर को रिक्वेस्ट करें कि आपका प्रेशर देखें आपकी आँख का काला मोतिया चेक करें कहीं काला मोतिया तो नहीं है अब यह कोताही डॉक्टर साहबान की तरफ से भी है कि उन्होंने सफ़ेद मोतिया का ऑपरेशन से पहले काला मोतिया नहीं चेक किया अगर चेक कर लेते तो हो सकता है इनकी दूसरी आंख की नज़र भी उस वक्त बेहतर थी और वो बच जाती उसका जहर ऑपरेशन करते या दवाई वगैरह देते इनको अगर बता देते होशियार कर देते तो ये दूसरी आंख की नज़र भी बच जाती उस वक्त उस स्टेज पर लेकिन अब अब इस स्टेज पर उसका तो कुछ नहीं हो सकता दूसरी आंख की नज़र को बचाना है सारी ताकि इनकी जो बाकी मादा जिंदगी है अल्लाह करे वो बिनाई के साथ हो इन तो ये इंफॉर्मेशन आपको देते हैं कि आप प्लीज़ लोगों से भी शेयर करें मेरा व्हाट्सअप नंबर है जीरो थ्री टू फोर सिक्स सेवन डबल फोर जीरो टू फोर इस पर अगर कोई मालूम लेना चाहें तो वो भी आप ले सकते हैं असल वरम्ला